पहला शो हाउसफुल था। हाँ, दूसरा भी हाउसफुल में 10-10 टिकट बाकी है, मतलब दूसरा भी हाउसफुल जाएगा, दूसरा भी हाउसफुल है, तीसरा भी हाउसफुल हो जाएगा, तीसरा भी हाउसफुल हो जाएगा, चौथा में भी कुछ बच जाएगा तो बच जाएगा, नाइट शो भी हाउसफुल, नाइट शो भी हाउसफुल आधा से अधिक जो तो ये फॉलो कर रहे हैं जब से बच्चे से जवान हुए। अच्छा, 15 साल की उम्र से शाहरुख खान को देख रहे हैं। हाँ। तो विवाद से हटके थोड़ा सा उनके फैन है। 30 हाँ। किलोमीटर चल के आए हैं। अच्छा, शाहरुख के फैन है। हाँ, और ऑनलाइन दिखा नहीं रही टिकट। अच्छा, ऑनलाइन नहीं दिखा रही, कंफ्यूजन में आए हैं कि टिकट मिल जाए, दिखा नहीं रही टिकट। अच्छा, और सोचते हुए आए, अगर टिकट मिल जाएगी तो पक्का देखेंगे, भले 3 बजे की ना मिले, 6 बजे की मिले, देखेंगे जरूर, देखेंगे जरूर। मूवी में क्या अच्छा लगा ट्रेलर में आपको? अभी तो मूवी देखेंगे, एक्चुअली इन्हें ट्रेलर रिलीज नहीं करना चाहिए था, जितना सस्पेंस होता है उतना अच्छा लगता है। अब सस्पेंस आउट हो गया? नहीं, सस्पेंस आउट नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा शोर मच रहा है, जैसा इम्प्रेशन बना हुआ है दुबई में जाके शाहरुख खान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे रिलीज हुआ है एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसा हमने सोचा वैसा ही हो। नमस्कार, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पठान मूवी का जो पोस्टर अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं मऊ जनपद के डीडी सिनेमा हॉल में, और यहां पर दर्शक, ये दूसरा शो चल रहा है, दूसरा शो आज के बाहर जब लोग आएंगे तो हम बात करेंगे उनसे, लेकिन आज यहाँ पर ये मैनेजर हैं, इनके क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र नाथ पांडे। तो इनके चेहरे बता रहे हैं बहुत खुश हैं आज आप, हैं? खुश तो वही है। मैं खुश है। तो कैसा चेहरे पे रौनक का राज क्या है? पहला शो एकदम हाउसफुल रहा पठान का। पहला शो हाउसफुल था? हाँ, दूसरा भी हाउसफुल में 10-10 टिकट बाकी है, मतलब दूसरा भी हाउसफुल जाएगा, दूसरा भी हाउसफुल है, तीसरा भी हाउसफुल हो जाएगा, तीसरा भी हाउसफुल हो जाएगा, चौथा में भी कुछ बच जाएगा तो बच जाएगा, नाइट शो भी हाउसफुल, नाइट शो भी हाउसफुल आधा से अधिक जो। तो ये आपके चेहरे पर जो लालिमा है और मुस्कान है, इसी की वजह से है? अरे पठान की वजह से। तो दोनों आपके उसमें चल रहे हैं? हाँ, दोनों आदि में पठान ही चल रहा है, दोनों मतलब दोनों हॉल में पठान चल रहा है। 900 में तो देखिए, 100 चला रहे हैं। टिकट का क्या रेट है आपका? पहले शो में 200-150 है मॉर्निंग में, उसके बाद 200-250 पूरा मतलब नाइट शो तक। हाँ, तो खुश हैं आप? एकदम खुश। ये वीकेंड पे धमाल मचाएगी? नहीं, सही है, हैं? सही है। चलिए कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं कि क्या उनका कहना है, और पिक्चर देखने आए आप? हाँ जी। कहाँ से आए? हाँ, हैं गोसी से। क्या नाम है? मनोज कुमार। पिक्चर का किसी एक्टर को अगर आप चाहते हैं, फॉलो कर रहे हैं जब से बच्चे से जवान हुए, 15 साल की उम्र से शाहरुख खान को देख रहे हैं, तो विवाद से हटके थोड़ा सा उनके फैन है, 30 किलोमीटर चल के आए हैं। अच्छा, शाहरुख के फैन है। हाँ, और ऑनलाइन दिखा नहीं रही टिकट। अच्छा, ऑनलाइन नहीं दिखा रही, कंफ्यूजन में आए हैं कि टिकट मिल जाए, दिखा नहीं रही टिकट। अच्छा, और सोचते हुए आए, अगर टिकट मिल जाएगी तो पक्का देखेंगे, भले 3 बजे की ना मिले, 6 बजे की मिले, देखेंगे जरूर, देखेंगे जरूर, बिल्कुल देख के जाएंगे। नसीपुरा से देखिए, क्या पिक्चर देखने आए हैं? टिकट लेने आए। अच्छा, टिकट, बात का टिकट, कल का टिकट अभी लेके आए हैं। कुछ युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या इनका कहना है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाह फैसल। पिक्चर देखने आए हैं जी। पठान मूवी क्यों देखना चाह रहे हैं? फर्स्ट टाइम दोस्तों ने बोला तो आ गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं जी। देखिए, और लोग हैं इनसे, हाँ बताइए, क्या क्रेज भी है काफी शाहरुख का क्रेज जी। तो देखिए, ये शो का है इधर। अच्छा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए शो का है, ये भी देखिए अंदर के मैनेजर हैं। और कैसा मतलब रिस्पांस मिलने की उम्मीद है? फिर सर जो रिस्पांस बोले, रिस्पांस तो सारे शो हमारे हाउसफुल जा रहे हैं, जो पब्लिक का रिस्पांस है बहुत अच्छी मूवी है। कहाँ से आए आप? रफड़ा से। रफड़ा बलिया से? हाँ, रफड़ा बलिया। अच्छा, मतलब पिक्चर देखने ही? हाँ, पिक्चर देखने आए। मतलब इतना शाहरुख का क्रेज? हाँ, क्रेज तो है ही, क्रेज है ना। मतलब तो पठान देख के जाना है, तो पिक्चर तो हाउसफुल है, हम लोगों का टिकट एडवांस है। अच्छा, टिकट ले लिया। चलिए, कुछ लोग लड़कियां भी हैं, अगर बात करना चाहें तो। आप लोग पिक्चर देखने आए हैं, क्या नाम है आपका? आपका नाम रितु। तो इसमें टिकट मिल गया आपको? जी, पहले से बुक था। अच्छा, पहले से बुक था, मतलब कितने दिन पहले से बुक कर लिया? परसों किया था। परसों। तो मूवी में क्या अच्छा लगा ट्रेलर में आपको? अभी तो मूवी देखेंगे। एक्चुअली इन्हें ट्रेलर रिलीज नहीं करना चाहिए था, जितना सस्पेंस होता है उतना अच्छा लगता है। अब सस्पेंस आउट हो गया? नहीं, सस्पेंस आउट नहीं हुआ है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा शोर मच रहा है, जैसा इम्प्रेशन बना हुआ है दुबई में जाके शाहरुख खान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे रिलीज हुआ है एंड ऑल,
तो इन सब चीजों से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसा हमने सोचा वैसा ही हो। शाहरुख को शाहरुख पसंद है बहुत ज्यादा। अच्छा, कितने शाहरुख की कौन कौन सी मूवी देखी है? हमने तो सारी देख रखी है। सारी देख रखी है।